विक्रम तो गाड़ी लेके चला गया। सबके सामने बुड्ढे ने अपने पोते को कब्र में जाने को कहा है, वो कब्र उसी ने खोदा है। अब तुम लोग विक्रम और सीमा को खत्म कर दो, देखना इस बार निशाना भूलना हो। सबको यही लगेगा अपने वंश की रक्षा करने के लिए मालिक ने खुद उसकी हत्या की है। जाओ। हाँ, सही कहा आपने। अरे वो तो कल का छोकरा है, मैं तो उसके दादा एवी चौधरी को भी धोखा दे देता हूँ। अगर उन दोनों को अभी खत्म कर दें तो बुड्ढे को पागल करार करके हॉस्पिटल भेज देंगे। उसके बाद एवी चौधरी की चाय बगान प्रॉपर्टी सब मेरा। मैं बुड्ढे पे नजर रखती हूँ। जी हाँ, ठीक है। विक्रम, सीमा, सीमा, वो जरूर आएगा बेटी, ये विधि का विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। ये क्या आपके हाथ में चाबुक? हाँ, ये एक शापित चाबुक है। इस चाबुक में अभी भी मेरे बेटे वीर का खून लगा हुआ है। इस चाबुक में अभी भी मेरी बहू रिमी का खून लगा हुआ है। मतलब? जो सजा उन्हें मिली थी वो सजा आज तुम्हें भी मिलेगी। तुम तो मेरे पोते की होने वाली बीवी हो, इस चाबुक की मार क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, मैं तो बकवास ही करता हूँ, पागल हूँ। नहीं, मेरे साथ विश्वासघात करने का अंजाम क्या है तुझे पता है? बोल, तेरा बाप कहाँ है? मैं नहीं जानती। बोल, तेरा बाप कहाँ है? बोल। बताती हूँ। पापा, विक्रम और सीमा को मारने के लिए पापा ने गुंडों को भेजा है। सीमा, 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 मैं सब कुछ छोड़ के आ गया। सीमा, मैंने अपने माँ बाप की इज्जत रख ली। आह, ये कुदरत का कैसा करिश्मा है। ठीक इसी तरह एक रात तुम्हारी माँ भी मेरे पास आई थी। अच्छा, मेरी बात सुनो, यहाँ से जल्द निकल जाओ। जाओ। Hey!